कहाँ जा रहे हो? कम 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 इधर गन्नू इधर कम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन की पूर्व संध्या, मतलब कल रक्षाबंधन है। तो हम लोग मार्केट चले गए राखी वगैरह लाने, और गणेशा नहीं माने तो वो भी साथ गए। और गणेशा शॉप पर ऐसी सतानी कर रहे हैं, आप देख सकते हो, चलने में इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। और सारी शॉप पर ना सारा सामान इधर उधर छू रहे हैं और चल कर देख रहे हैं। तो वैसे तो मैं राखी वगैरह ले आई थी, लेकिन फिर भी नीलाक्षी का मन था मार्केट जाने का और गणेशा का, तो सोचा चलो चलते हैं। और इन लोगों को अपने लिए बांधने वाली राखियाँ लेनी थी, कुछ और गिफ्ट्स वगैरह लेने थे आरा और गणेशा के लिए। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए। अच्छा भी लगता है, त्यौहार हो और मतलब मार्केट में रौनक होती है तो जाना, थोड़ा सा घूमना, थोड़ी सी परचेजिंग करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग भी मार्केट गए थे। और इस बार मैं जाने वाली हूँ अपने मायके में जाऊंगी दोपहर को। सुबह घर में बच्चे राखी बांधेंगे, रुचि आएगी, आरव आएंगे, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग रक्षाबंधन की हमारी थाली लग चुकी है रोली टीका की, और राखियाँ सब सज गई हैं थालियों में। और ये मिठाई छेने सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो छेने ही आए हैं। और सबसे पहले मतलब रुचि राखी बांधती है, तो रुचि ने अपने भैया को राखी बांधी, यानी मेरे हस्बैंड को, और फिर मेरे राखी बांधी, फिर हम लोग रुचि का कोंछा भरते हैं। ये रुचि को राखी बांध रहे हैं हम लोग, और उनके भैया उनको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ। जैसे वो मेरा टीका करती है, मेरी गोद भरती है, उसी तरह मैं भी रुचि की गोद भरती हूँ, रुचि का टीका करती हूँ, और उसका गिफ्ट्स वगैरह, मिठाई वगैरह ये सब देती हूँ। तो यहाँ मैं रुचि का टीका कर रही हूँ, और साथ में जो है वो रुचि ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट, फल और ये सब लेकर आई है, और अपने भैया के लिए शर्ट्स वगैरह लेकर आई है, चांदी के सिक्के वगैरह सब। और गन्नू और आरव की तो मस्ती का बस पूछो हिम्मत, जो ये धमाल करते हैं, मतलब दोनों ने आज एक जैसे कपड़े कैरी किए हैं, एक जैसे टी शर्ट पहने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जीन्स भी इन लोगों की एक जैसी थी। तो यहाँ पर रुचि कर रही हैं अपने भैया का टीका, और फिर मेरा टीका कर रही हैं। और टीका करने के बाद सिंदूर लगाते हैं मांग में, हमारे यहाँ तो सिंदूर लगा रही हैं। फिर ये मुझे राखी बांध रही हैं रुचि, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह सब मेरी गोद में दिया उन्होंने, अपने भैया को शर्ट्स वगैरह दी, हमारा कोछा भी भरती हैं, और भाई का मतलब गिफ्ट भी देती हैं। भैया भाभी दोनों को साथ में बिठाल कर, उनकी राखी बांध कर उनका टीका वगैरह करते हैं, और फिर मैं रुचि का टीका कर रही हूँ, उनको राखी बांध रही हूँ। और ये नीलाक्षी, सोनाक्षी और रुचि कहाँ थे, इन लोगों ने अपनी ये बोर वाली राखी बांधी थी, जो जिसमें लटकन होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यही स्पेशली शाम में जाके नीलाक्षी जो है वो ख़रीद कर लेकर आई थी। और ये गणेशा का हाथ है, ये देखिए मोटू पतलू और क्या क्या, ये नीलाक्षी और रुचि। बाद में फिर सब लोग अपनी फ़ोटो क्लिक कराए, और फिर मैं चली गई मायके। और मायके में तीन भैया तो मेरे तीन भैया एक जगह मुझे मिल गए, और चौथे भैया के घर जाना पड़ा। तो ये हैं सेकंड नंबर के भैया, इन लोगों को गांव जाना था, तो ये लोग एक ही जगह इकट्ठे थे, बोले यहीं पर आकर मुझे राखी बांध दो। तो मैं इस बार सबसे छोटे वाले भाई के घर गई थी, मेरे सबसे छोटे वाले भैया का घर है, ये सेकंड नंबर के भैया हैं। तो इनको टीका लगाया, इनका रोचना किया, और फिर उसके बाद इनको राखी बांध रही हूँ, और बहुत खुश होते हैं भाई लोग राखी बंधवा कर, और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी अपने भाइयों को राखी बांधकर, सभी को अच्छा लगता है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है बहनों के लिए, बहुत पूरे साल इंतज़ार रहता है इस दिन का कि कब हम लोग मायके जाएंगे और राखी बांधेंगे। और ये मिठाई खिलाते हुए भैया को, उसके बाद जो है भैया को मिठाई खिलाई, और देर हो रही थी तो बोल रहे थे जल्दी करो गांव जाना है, लेकिन दीदी आ रही थी तो उनका वेट कर रहे थे। ये सबसे छोटे वाले भैया मेरे जिनके घर मैं गई हुई थी, और इनको भी मैंने सबसे पहले टीका किया, फिर उसके बाद इनको राखी बांध रही हूँ। हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है, इन्हीं छोटे वाले भैया के घर मैं जाती हूँ, और उसके बाद वो तीनों भैया यहीं आ जाते हैं, बस चौथे वाले भैया नहीं मिलते सबसे बड़े वाले, तो वो कभी घर ही आ जाते हैं, या फिर उनके घर जाना होता है मुझे राखी बांधने, तो यहीं पर ही सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, सारे लोग एक साथ होते हैं, दीदी भी आती हैं, और ये भैया को भी मिठाई खिलाते हुए, और दीदी का ही वेट हो रहा था, दीदी जब तक नहीं आ रही थी तब तक सोचा कि चलो भतीजों को राखी बांध देते हैं। तो वही ये सबसे छोटे वाले भैया के बेटे हैं, तो ये सबसे छोटे वाले बेटे हैं, नितिन नाम है इनका,
और सारे बच्चे जब मैं भैया लोगों को राखी बांध रही थी तो मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। अभी इन लोगों को मैंने टीका किया है, तीन बच्चे हैं भैया के, ये सबसे छोटे वाले हैं, ये सेकंड नंबर का भैया है, इनको अब मैं रोचना कर रही हूँ। हमारे यहाँ भाइयों के साथ भतीजों को भी रोचना किया जाता है, टीका किया जाता है, राखी बांधी जाती है, तो अभी मैं विक्की को राखी बांध रही हूँ और राखी बांधने के बाद फिर इनको भी मिठाई खिलाऊंगी। सबकी मनपसंद की मिठाई लेकर गई थी। और फिर ये सबसे बड़ा वाला भतीजा है रोहित, तो इनका मेरा तो बिल्कुल माँ बेटे का नाता है, क्योंकि ये जब हुए थे पैदा तो मेरी ही गोद इनको सबसे पहले मिली थी, तो बहुत मानते हैं मेरे सारे भतीजे और भाई भाभियाँ सब लोग बहुत ज़्यादा मुझे मानते हैं। और ये सारे भतीजे जो हैं रोहित नितिन विक्की सब लोग बहुत मानते हैं, और भी भैया के जो बच्चे हैं वो भी सारे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आदर देते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इस प्रकार जब आप मायके जाते हो ना तो सभी लोग मिल जाते हैं राखी बांधने के लिए, टीका करने के लिए। और अब फाइनली भाभी की बारी थी तो उनको मैं टीका करी हूँ, फिर अब मैं उनको राखी बांध रही हूँ। और राखी बांधना भाभियों को भी एक बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि मायके में जैसे भाई आपकी रक्षा करते हैं, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, मायका बना रहता, वैसे भाभियां भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आपकी इज्जत करती हैं, सम्मान देती हैं। तो ये मैं खिला रही हूँ भाभी को मिठाई। और अब ये आ गए हैं मेरे तीसरे नंबर के भैया, हाँ वो सब सेकंड नंबर के थे, फिर सबसे छोटे वाले, और अब ये थर्ड नंबर के भैया। तो इनको भी फाइनली मैंने टीका किया है और अब मैं बांध रही हूँ इनको राखी। इनको आने में थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि दीदी का वेट कर रहे थे, इसलिए ये भी थोड़ा सा लेट आए। और आ गई हैं फाइनली दीदी भी, तो ये हमारी सबसे भाई बहनों में सबसे बड़ी दीदी हैं, ये भी भाभी को बांध रही हैं राखी। तो इनका ही वेट हो रहा था, ये रायबरेली से आती हैं दीदी, तो लेट हो जाता है वहाँ से आने में। और हम दोनों बहनों ने मिलकर भाभी को राखी बांधी, टीका किया, बहुत ही अच्छा लगा साथ में। और फिर भतीजे राखी बांधने के बाद सब मेरे पैर छूते हुए, और रोहित को मिठाई खिलानी बाकी रह गई थी तो मैंने बोला रोहित तुम भी मिठाई खा लो। और फिर कुछ जो है फ़ोटो क्लिक्स हुई भैया लोगों के साथ, दीदी मैं भाभी सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे, फिर किचन में कुछ बनाया गया और भाभी ने इस दिन वो अरबी के जो पत्ते होते हैं उसका सेंढ़ा जो बोलते हैं वो भी पकौड़ी बनाकर खिलाई, और हम लोग आपस में बातें भी करते रहे, मस्ती भी करते रहे, भैया लोग अपनी बातें करते रहे, हम लोग इकट्ठे हो गए तो दीदी के साथ हम लोग मिलकर अपनी बातें करते रहे। इकट्ठे हो जाओ ना सब लोग तो बहुत सारी यादें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो वो बैठ कर हम लोग इंजॉय कर रहे थे फाइनली। और फिर चाय वगैरह बीच में चलती रही, खाना वगैरह बीच में चलता रहा। फ्रेंड्स तो आप लोगों ने कैसे मनाया रक्षाबंधन, आप लोगों का त्यौहार कैसा गया, पूरे वीडियो मैं नहीं बना पाई बट जो भी क्लिक्स थी मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ झलकियाँ आपको दिखाती हूँ कि हमने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया। और आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा, आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया। और दीदी आ चुकी थी तो फाइनली अब दीदी भी भैया लोगों को राखी बांध रही हैं। भैया लोगों को गांव जाने की देर हो रही थी तो उन लोगों ने पहले बंधवा ली थी, वो लोग गांव चले गए थे, सेकंड नंबर वाले भैया जो हैं सबसे छोटे वाले भैया, फिर इन लोगों ये भैया जब आए तो इन्होंने बाद में बंधवाई क्योंकि इनको गाँव नहीं जाना था भैया को, तो इनका थोड़ा सा लेट हो गया था। चैनल पर नए आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपका रक्षाबंधन कैसा रहा। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स।